नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रुक जाना नहीं योजना में आप फॉर्म कैसे भर सकेंगे। साथ ही रुक जाना नहीं योजना में 10वीं और 12वीं क्लास के लिए जो योजना लागू की गई थी हमारे MPSCM द्वारा, तो इस योजना में आप 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनका रुक जाना नहीं योजना में फॉर्म कैसे भरेंगे, और साथ ही आपको स्टूडेंट की कितनी फ़ीस लगने वाली है, साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस बताऊंगा 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके। मैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखिए। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपको सिंपल सा गूगल में यहाँ पर लिख देना है रुक जाना नहीं योजना। इस टाइप से लिख कर सर्च कर सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है MPSOS, तो इस टाइप से लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिखेगा स्क्रीन पर। इस वेबसाइट का डायरेक्ट URL या वेबसाइट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आपको ऊपर दिख जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, तो इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको महत्वपूर्ण लिंक्स वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पर। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो रुक जाना नहीं योजना है उसका यहाँ पर इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में आपको मिल जाता है ओपन स्कूल क्लास 10th एंड 12वीं या 12th, इस टाइप से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इस टाइप से दिख जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं आपको रुक जाना नहीं योजना में फॉर्म भरने के लिए यहां पर क्लिक करना है रुक जाना नहीं योजना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सर्विसेज मिल जाती है आपको, यहाँ पर जो भी सर्विसेज है इस वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है सर्विस वाले ऑप्शन पर। उसमें सर्विसेज में इतनी सारी आपको सर्विस जो भी है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगी। इससे मिल जाएगा आपको रुक जाना नहीं योजना RJNY जून 2023 एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है RJNY जून 2023। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पे साइड पे देख सकते हैं आपको एंडिंग डेट दिख जाएगी है। स्टार्ट डेट इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है, एंडिंग डेट दिया है जिसकी एंडिंग डेट है 4/6/2023। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए इस टाइप से ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिख जाता है रुक जाना नई योजना का नाम। उसके बाद नीचे देखेंगे आवेदन करने के लिए अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम, मतलब आपका जो आपका रोल नंबर है वो आपको इंटर कर देना है। रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो प्रवेश पत्र है उस पर आपको रोल नंबर मिल जाता है, अंकित किया गया रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद में देख सकते हैं आपके पास अगर BPL का राशन कार्ड है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। अगर आपके पास राशन कार्ड BPL का नहीं है तो यहाँ पर नो कर लेना है। BPL के राशन कार्ड से आपको यहाँ पर कुछ फीस में छूट मिल सकती है, तो यहाँ पर अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर यस करेंगे, जैसे कि हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास 40% या उससे अधिक है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर विकलांग नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से स्टूडेंट की जो जानकारी वो दिख जाएगी, जो भी आप रोल नंबर से सर्च किया है, जिस स्टूडेंट का जानकारी सर्च किया वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है स्टूडेंट का यहाँ पर। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, सब्जेक्ट कोड दिख जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दिख जाएंगे, और जिस विषय में फेल है वो यहाँ पर दिख जाएगा। रिमार्क वाले ऑप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिमार्क में यहाँ पर हिंदी में लिखा है एफ, इंग्लिश में लिखा है एफ, वो सभी विषय में लगभग फेल है, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फीस का जो है वो इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल करके यहाँ पर आपको जो प्राप्तांक पूर्णांक वो दिखेगा। अब आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिख जाता है, और आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो फीस है वो फीस की डिटेल यहाँ पर दिखेगी। अब आप देख सकते हैं नोट, यहाँ पर एक नोट दिया है, नोट को पढ़ लेना है। कृपया मोबाइल नंबर सही मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें, विभाग द्वारा सभी जानकारी आपको SMS के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको सही देना है, क्योंकि जो भी सारी जानकारी है वो आपके मोबाइल पर ही आपको रिसीव होगी। उसके बाद में डिक्लेरेशन यहाँ पर देख सकते हैं,
आपको यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद में मैं घोषणा करती हूँ यहाँ पर फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक बार देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से दिख जाएगी स्क्रीन पर। यहाँ पर स्टूडेंट के फिर से सारी डिटेल दिख जाएगी, आपको फिर से सारी डिटेल्स को यहाँ पर देख लेना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट की डिटेल भी दिख जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगा। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फीस की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी लगने वाली है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ पर जो दिखेगी, और यहाँ पर पोर्टल का कितना चार्ज लगने वाला है, पोर्टल का चार्ज दिख जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं टोटल फीस जो लगने वाली वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपको इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पेमेंट करने से पहले आपको इसका एक प्रिंट ले लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद स्टूडेंट को दिखा देना है या स्टूडेंट को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप से पेमेंट पेज दिखने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर आप क्योस्क के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योस्क आईडी से पेमेंट करेंगे। अगर आप पब्लिक सिटीजन मतलब अगर स्टूडेंट खुद फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई टीचर लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए इस टाइप से पेज दिख जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे पेमेंट के पेज दिख जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, IMPS मतलब फ़ोनपे, गूगल पे है, UPI दिख जाता है यहाँ पर, और वॉलेट दिख जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसका जो पेमेंट है वो अपने क्योस्क आईडी से करने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्योस्क आईडी से कर लेंगे, या फिर जिस ऑप्शन आपको जो भी ऑप्शन सुटेबल लगता है आप उस ऑप्शन से यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद इसका जो स्लिप है वो निकाल लेंगे और कुछ टाइम वेट करेंगे। आप इसका जो रुक जाना नहीं योजना में आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप भी बड़ी आसानी से स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा लेटेस्ट न्यू और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस।